हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, आपके पास। उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स और सेट ऑफ जीएसटी, कि जो हम टैक्स पीछे पे करके आते हैं इनपुट टैक्स और जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं आउटपुट टैक्स, उसको कैसे सेट ऑफ करना होता है, कैसे एडजस्टमेंट करनी होती है उन चीज़ों की, और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से दिखाना होता है, कैसे उसकी एंट्रीज पास करनी होती है। आज हम लोग उसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ पहले बेसिक चीज टर्म्स देख लेते हैं। पहली, इनपुट टैक्स क्या होता है? सर सर इनपुट टैक्स जो भी आप पीछे कोई माल परचेस करते हो या कोई सर्विसेज परचेस करते हो, टैक्स ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर आपका क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है। क्या होता है सर आपका? वो इनपुट टैक्स होता है। सपोज़ कीजिए मैंने कोई माल परचेस किया है, और माल परचेस जब मैंने किया है तो उसके अगेंस्ट मेरे को इनवॉइस मिला है, टैक्स इनवॉइस, और उस टैक्स इनवॉइस में मेरे से जीएसटी की अमाउंट भी चार्ज की जाती है। क्लियर है सर? तो उसको मैं क्या कहूँगा सर? इनपुट टैक्स कहूँगा। जो भी टैक्स मैं परचेज के टाइम पर देकर आता हूँ उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। देन आउटपुट टैक्स, वो टैक्स जो मैं चार्ज करता हूँ कस्टमर से, कलेक्ट करता हूँ कस्टमर से गवर्नमेंट को पे करने के लिए, सर उसे हम क्या कहते हैं सर? उस पर हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। वो टैक्स जो मैं कलेक्ट करता हूँ कस्टमर से, ठीक है सर, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, या फिर अगर मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ तो उसके, जब मैं कोई सर्विस सेल करता हूँ तो भी मैं क्या करूँगा? अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करूँगा, उसे मैं क्या कहूँगा सर? आउटपुट टैक्स। और वो टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब सर ये आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स आपने बताया, देन यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आप आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हो, ठीक है सर, और जो आप जीएसटी पीछे पे करके आए हो, इनपुट जीएसटी जो आप पीछे पे करके आए हो, तो आप उसको उसमें से लेस कर दो और बैलेंस अमाउंट आप पे कर दो गवर्नमेंट को। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? बेसिक इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आप टैक्स ऑन सेल है आउटपुट जीएसटी, और उसमें से आप लेस कर दो जो आप पीछे टैक्स देकर आए हो, जो भी आपने कोई सर्विस परचेज करी है या फिर आपने गुड्स परचेज किया है, या आपने जो भी आप जीएसटी एक्सपेंस पर देकर आए हो या कैपिटल गुड्स पर देकर आए हो, तो उसकी आप क्या करो सर? जो भी आप जीएसटी वहाँ पर देकर आए हो वो आप यहाँ पर से माइनस कर दो। जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, उसमें से आप लेस कर सकते हो इनपुट जीएसटी। उस इनपुट जीएसटी को लेस करना ही क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेना कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, मतलब आपने जो है आउटपुट जीएसटी में से लेस करने के बाद अपनी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बैलेंस बचता है, या तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये कंडीशन क्या हो सकती है? या तो हो सकता है कि आउटपुट जीएसटी की अमाउंट ज़्यादा है और इनपुट की कम है, तो उस केस में क्या होगा? जीएसटी पेबल होगा। और अगर केस ये हुआ कि इनपुट जीएसटी की अमाउंट ज़्यादा है और आउटपुट जीएसटी की कम है, तो उस केस में सर क्या होगा? आपके पास बैलेंस बच जाएगा आईटीसी का। तो मैंने इस पर एक केस स्टडी ली है, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा आगे इसी बात पर। चलिए अब मेरे पे सपोज कीजिए दो कंडीशन हैं। क्या कंडीशन सर? मैं आपको और थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि मैंने कोई माल परचेस किया, क्या कहते हैं उसको? इनवर्ट सप्लाई कहते हैं। और मैंने कोई माल बेचा, सेल किया, उसे सर कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। सपोज़ कीजिए कि मेरी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है सर वो कितनी है सर? 2 लाख रुपीज़ की, जो मैंने परचेस किया है, और पीछे मैं जीएसटी पे कर आता हूँ 36,000। तो इस तरीके से उसने बंदे ने मेरे से कितने रुपये चार्ज किए हैं सर? 2,36,000। और मैं अपने यहाँ क्या एंट्री पास करता हूँ सर? मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रिएटर या बैंक। अब ये जो इनपुट जीएसटी होती है सर, इसका नेचर कहीं ना कहीं क्या होता है? इसका नेचर मैं कहीं ना कहीं एसेट्स के जैसा मानूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, इसकी क्रेडिट लेनी है, ठीक है सर। अब मैंने वही सेम माल मैंने क्या किया? मैंने सेल आउट कर दिया। अब जो माल मैंने सेल आउट किया है सर, वैल्यू ऑफ गुड्स सर उसकी है 2 लाख रुपीज़, ठीक है सर। और मैंने कस्टमर से जो चार्ज किया है वो चार्ज किया है सर 39,600 रुपीज़। तो उस तरीके से मैंने टोटल उससे जो टैक्स इनवॉइस उसको इशू किया है, वो इशू किया है 2,59,600 रुपीज़ का, ठीक है सर। और मैंने अपने यहाँ क्या एंट्री पास कर ली सर? डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का नेचर लायबिलिटी का होता है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है, इसलिए हमने उसको क्या किया है सर? क्रेडिट किया है। चलिए आगे समझते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो गया? हमारे पास लायबिलिटी में कितने रुपये पड़े हैं सर? 39,600 टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट जीएसटी जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, और जो हम पीछे पे करके आ चुके हैं जिसकी हमें आईटीसी लेनी है, क्रेडिट लेना है सर, वो सर कितना पड़ा है? 36,000 रुपीज़। तो कैसे इसको हम अब यहाँ पर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी भी निकालते हैं, और कैसे इसको सेट ऑफ करते हैं, उसके हम जनरल एंट्री भी पास करते हैं। चलिए अब मेरे पे टोटल आउटपुट जीएसटी सर कितना बैठ रहा था?
39,600, जिसमें से मैं पीछे पे करके आ चुका हूँ सर कितने, 36,000 रुपीज़। तो मुझे गवर्नमेंट को कितनी पे करनी है सर, 3600 रुपीज़। चलिए अब इसी चीज़ को, ये तो हमने समझ लिया फॉर्मूला टाइप कि आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अब इसमें दो केस होंगे, या तो GST पेबल होगा या फिर बैलेंस बच जाएगा ITC का। अब इसकी सर एंट्री कैसे पास करें समझते हैं। टोटल मेरे को जो आउटपुट GST देनी है सर, वो देनी है 39,600 रुपीज़ की। अब इसको मैं कैसे पे कर रहा हूँ सर, इसकी मैंने 36,000 की पेमेंट तो कर दी सर, मैंने क्रेडिट करके किसको सर, इस ITC को क्रेडिट ले करके। क्लियर है सर? देखो यहाँ पर बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का डेबिट होता है, और यहाँ पर क्या हो गया सर, ये क्रेडिट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई सर, सेट ऑफ हो गई। यहाँ पर प्लस थी तो यहाँ पर क्या हो गई, माइनस। तो ये सेट ऑफ हो गया फुल अमाउंट से। अब ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगा 36,000 रुपीज़। क्लियर है सर? और लायबिलिटी का नेचर सर कैसा होता है सर, वो क्रेडिट होता है। यहाँ पर मैंने इसको प्लस था, यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। वहाँ पर क्रेडिट था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। तो ये प्लस माइनस का यहाँ रेशियो बन गया। चलिए अब पेमेंट सर मैंने 36,000 की कर दी सर, इनपुट GST का क्रेडिट लेकर के, और रेस्ट पेमेंट मैं कैसे कर दूंगा गवर्नमेंट को, बैंक से या कैश से। ठीक है, अब इसी जनरल एंट्री को आप स्प्लिट भी कर सकते हो, दो पार्ट्स में लिख सकते हो अपनी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर मैंने पहले क्या किया, 36,000 रुपीज़ जो आउटपुट GST के थे वो मैंने पे कर दिए सर, क्रेडिट लेकर के इनपुट GST की, और जो रेस्ट पेमेंट बची है मेरी 36,600 रुपीज़ की, वो मैंने सर पे कर दी कैश या बैंक के थ्रू। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ GST की बात करते हैं। GST तो मैंने नॉर्मल बात करी है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, वो तो मैंने आपको बता दिया सिनेरियो, उसमें या तो GST पेबल होगा या फिर बैलेंस बच जाएगा आपका ITC का। बट GST टाइप्स की कितनी होती हैं सर, वो CGST, SGST और IGST, तीन टाइप्स की आपकी क्या होती हैं, GST होती हैं। अब इन तीनों केसेस में हम लोग अप्लाई करेंगे सेट ऑफ का रूल। ठीक है सर, आपको पता ही होगा CGST और SGST हमारी लोकल सेल परचेज पर लगती है, जो हम विद इन स्टेट करते हैं, और IGST सर हमारी लगती है किस पर, इंटर स्टेट सेल पर, जो हम आउटसाइड द स्टेट मतलब स्टेट के बाहर कुछ सेल या परचेस करते हैं। क्लियर है सर? अब इसको हम सर यूटिलाइज करने का तरीका क्या होता है इस ITC को। अब यहाँ पर हमारे तीन टैक्स होते हैं सर, पहला सर CGST का होता है, सेकंड SGST का होता है, थर्ड होता है IGST का। तो सर ध्यान रखें, जब भी आप कभी CGST के आउटपुट की पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको CGST का यूज़ करना पड़ेगा सर, क्या, इनपुट टैक्स। ठीक है सर, पेमेंट करने के लिए। और अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बच गया तो आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे IGST की आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए। ठीक है सर? ओके, देन SGST जो होगा, सबसे पहले आप SGST की लायबिलिटी पे करेंगे SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले करके। अगर कुछ पेमेंट बैलेंस बच जाता है देन उसको आप यूज़ करेंगे IGST की टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। उसी तरीके से IGST की पहले आप क्या करेंगे, IGST को आप जो आप पे लायबिलिटी बनती है उसको पहले सेट ऑफ पे करेंगे। आप किससे सेट ऑफ किससे करेंगे, जो आपकी IGST की क्रेडिट बची हुई है, जो आप IGST पीछे देकर आए हो। देन अगर उसके बाद भी IGST की ITC का बैलेंस कुछ बच जाता है तो आप उसको यूज़ करोगे CGST को पे करने में और SGST को पे करने में। ये कोई रूल नहीं है कि आपको कोई रेशो नहीं है कि आपको इक्वली करना है या इतना 50-50 कैसे भी करना है, 70-20 वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट पहले आपको फुल्ली IGST पे करनी होगी। ठीक है सर, जो बैलेंस बचेगा आप उसको यूज़ कर सकते हो CGST की पेमेंट के लिए टैक्स लायबिलिटी की, या फिर SGST की टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट के लिए। बट यहाँ पर आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखने हैं सर, वो क्या है कि IGST क्रेडिट हैज़ टू बी एग्जॉस्टेड फुल्ली फॉर यूटिलाइजिंग क्या सर, CGST क्रेडिट और SGST क्रेडिट। पहले आपको IGST का बैलेंस नील करना है। क्या करना है सर, पहले आपको IGST पेमेंट कर देनी है, उसके बाद जो IGST का बैलेंस बचेगा उसको आप फुल्ली पे करना है CGST या SGST को पे करने में। आपको उसी मंथ IGST का बैलेंस नील करना है सर। ठीक है, चलिए सेकंड नोट आपका सर क्या है, सेकंड नोट आपका ये है कि CGST और SGST कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट ईच अदर। ना ही आप CGST की SGST कि क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं SGST की CGST में क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है सर, तो आप इन दोनों को यूटिलाइज नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब सर मैं इस पर एक केस स्टडी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए सर हम इस पर एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। क्या है सर, हमारे नितिन हैं कोई, इनकी कुछ लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं GST की, जो इन्होंने कस्टमर से कलेक्ट करी हैं सर। क्या है सर, ये कुछ लायबिलिटी जो इन्होंने कस्टमर से कलेक्ट किया है टैक्स, जो गवर्नमेंट को पे करना है, और जो ये पीछे टैक्स पे करके आए हैं, ये इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। क्लियर है सर? देन अभी इन्होंने 500 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं IGST के रिगार्ड में, CGST के 1000,
और SGST की 1000, तो टोटल इन पे जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2500 की बनती है, और जो इन पे टैक्स लाइबिलिटी पड़ी हुई है सर वो पड़ी हुई है सर 2300 रुपीज़ की। तो अब हम वन बाय वन तीन सिनेरियोस पे इस केस को डिस्कस करते हैं। चलिए सिनेरियो फर्स्ट, सेट ऑफ ऑफ अनयूटिलाइज्ड IGST क्रेडिट कम्प्लीटली टुवर्ड्स CGST। चलिए अगर हम पेमेंट करने के बाद, किसकी सर IGST की पेमेंट करने के बाद, IGST की टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी अगर हमारे पे कोई ITC बचती है IGST की, मैं मान रहा हूँ सिनेरियो फर्स्ट में कि मैं फुल्ली पेमेंट करने वाला हूँ CGST की, उसके बाद भी कोई बचेगा तो फिर मैं SGST की पेमेंट करूँगा। चलिए सर ये मैंने सिनेरियो फर्स्ट लिया है, तो सर क्या लिया है, मेरे पे जो क्रेडिट अवेलेबल है सर कितनी है, सर वो मेरे पे है 2000 रुपीज़ की। तो इस 2000 रुपीज़ से पहले मैंने क्या किया, पहले फुल्ली पे कर दी सर IGST, तो IGST पेमेंट की सर मैंने एंट्री क्या करी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, कि मैंने पेमेंट करता हूँ सर किससे, इनपुट IGST क्रेडिट लेकर के। चलिए सर ये तो मेरा हो गया फुल्ली, मैंने पे कर दिया, IGST मेरा हो गया यहाँ पर फिनिश। अब मैं बात करता हूँ जो मेरे पे CGST की लाइबिलिटी पड़ी है सर कितने की, 1000 रुपीज़ की, उसको सर मैं कैसे पे करता हूँ, उसको सर मैंने क्या किया, जो मेरी अभी मेरे पे सर कितना अमाउंट बच रहा है सर 1500 रुपीज़ और बच रहे हैं सर मेरे पे। मैंने क्या किया था, पहले आपको IGST के बैलेंस को नील करना है, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं पहले मैं फुल्ली यूटिलाइज़ करूँगा सर CGST को इस केस में, नेक्स्ट केस में मैं देखूँगा सिनेरियो में देखूँगा मैं SGST को यूटिलाइज़ कैसे करूँगा, ठीक है सर। तो इसके सर कैसे होगी, जो मेरे पे आउटपुट CGST की लाइबिलिटी है सर 1000 रुपीज़ की, उसको मैं पे कर रहा हूँ क्रेडिट लेकर के, किसकी सर, सर 1000 रुपीज़ IGST की इनपुट की टैक्स की, क्लियर है सर। उसके बाद फिर भी मेरे पास सर बैलेंस बच जाता है कितना सर, सर 500 रुपीज़ का। अब इस 500 रुपीज़ को, क्योंकि मुझे IGST को नील करना है, मैं किस में यूज़ कर लूँगा सर, इसको यूटिलाइज़ कर लूँगा सर मैं आउटपुट SGST की पेमेंट के लिए। तो जब मेरे पे आउटपुट SGST की लाइबिलिटी कितनी खड़ी है 1000 रुपीज़ की, ठीक है सर, तो मैंने 1000 रुपीज़ कैसे पे कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ की मैंने IGST क्रेडिट ले ली, और इनपुट SGST की मैंने क्रेडिट जो मेरे पे पड़ी हुई है सर कितनी है, सर वो 150 रुपीज़ की है, क्लियर है सर, और बाकी मैंने सर पेमेंट कर दी कैश में। अब आप ये मत कहना सर ये भी तो बैलेंस पड़ा हुआ है CGST का, मैंने क्या कहा कि ये दोनों एक दूसरे से कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकते, तो ये जो बैलेंस पड़ा हुआ है CGST का ये नेक्स्ट मंथ काम आ जाएगा सर, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो, सर आपका नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर सेट ऑफ अनयूटिलाइज्ड IGST क्रेडिट कम्प्लीटली टुवर्ड्स SGST, ठीक है सर, केस सेम है, मेरे पास यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी पड़ी है 500 रुपीज़ की, पहले मैं क्या करूँगा, इस क्रेडिट जो मेरे पे पड़ी हुई है पहले मैं फुल्ली पेमेंट करूँगा किसकी, किसकी सर IGST की, तो मैंने एंट्री पास कर दी, जो मेरी IGST की लाइबिलिटी कितनी बनती है 500, उसको मैंने पे कर दिया इनपुट IGST की क्रेडिट लेकर के, ठीक है सर। देन अब मेरे को पे करनी है सर क्या, सपोज मुझे पहले पे करता हूँ मैं SGST, क्योंकि किसके लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं IGST कम्प्लीटली टुवर्ड्स SGST। अब मेरे पे कितने बैलेंस सर बच गया इसका, सर मेरे पे बैलेंस जो बचता है इसका 500 रुपीज़ बचता है, क्लियर है। अब इस 500 रुपीज़ में से पहले मैं फुल्ली यूटिलाइज कर लूँगा इसको क्या पे करने में, सर सर SGST पे करने में, क्लियर है। तो उसके मैं एंट्री क्या पास करूँगा, मेरे पास आउटपुट SGST का जो लाइबिलिटी है सर वो 1000 रुपीज़ की है, इसको सर मैं कैसे पे कर रहा हूँ, उसको सर पे कर रहा हूँ मैं इनपुट IGST की क्रेडिट लेकर के, ठीक है सर। तो ये मेरी भी फुल्ली क्या हो गई, इसकी मैंने फुल्ली पेमेंट कर दी सर, इसकी भी फुल्ली पेमेंट कर दी। अब बारी आती है CGST का, सर कितनी लाइबिलिटी मेरे पास पड़ी हुई है, सर 1000 रुपीज़ मुझे पे करने हैं सर गवर्नमेंट को, ठीक है सर। अब 1000 मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, आउटपुट CGST के कितने 1000। अब इसकी पेमेंट मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ सर, मैं इसकी पेमेंट मैंने क्या कहा था IGST को पहले नील करना है मेरे को, तो फिर भी उसके बाद भी मेरे 500 बच गए, किसके IGST के बच गए मेरे 500, कैसे बच गया सर, 2000 क्रेडिट थी, 500 मैंने IGST के पे कर दिए और 1500 मैंने पे कर दिए सर SGST के, फिर भी मेरे 500 रुपीज़ बच गए, उसको मैं यूज़ कर लूँगा कहाँ पर सर, उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, कहाँ पर यूज़ कर लूँगा सर, यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैंने 1000 जो मेरे पे आउटपुट CGST पेमेंट कर रहा हूँ 500 रुपये की IGST क्रेडिट लेकर के, ठीक है सर, और जो मेरे पे CGST की पेमेंट पड़ी क्रेडिट पड़ी हुई है सर 150 रुपीज़ की, उसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा, फिर जो बाकी पेमेंट बच जाएगी मेरी वो मैं गवर्नमेंट को सर पे कर दूँगा कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, क्लियर है सर। अब आप मुझे कहोगे सर ये जो 150 का पड़ा हुआ है SGST इसको क्या करोगे, मैंने क्या कहा कि इसको मैं CGST में यूज़ ही नहीं कर सकता, क्यों यूज़ नहीं कर सकता, मैंने कहा है आपसे शुरू में कि CGST और SGST को हम एक दूसरे की क्रेडिट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एक दूसरे की टैक्स लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, क्लियर है सर। चलिए अब ये जो हमारा 150 है हमारा नेक्स्ट मंथ काम आ जाएगा, इसको हम नेक्स्ट मंथ यूटिलाइज़ कर लेंगे SGST की या IGST की
लायबिलिटी को पे करने के लिए. क्लियर है सर? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिनेरियो. अगर सेट ऑफ ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईजीएसटी क्रेडिट पार्टली टुवर्ड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी इन एन इक्वल पोर्शन, अगर आप चाहो तो दोनों को, जो आप पे आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है तो आप अगर आप चाहो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए इक्वली भी आधा आधा भी इस्तेमाल कर सकते हो. 20-80 रेशियो में यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है. क्लियर है सर? इस पर कोई गवर्नमेंट ने आप पे बाउंडेशन नहीं रखी है. चलिए सेम कंडीशन सर आ गई, मेरे पे क्या पड़ा है सर, लायबिलिटी पड़ी है 500 रुपीज़ की और मेरे पे क्रेडिट पड़ा हुआ है 2000 रुपीज़ का. तो सबसे पहले मैं पे करूँगा क्या सर, आईजीएसटी पे करूँगा. तो मैंने एंट्री क्या पास करी, मेरे पे जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसको मैं पे करता हूँ इनपुट आईजीएसटी की क्रेडिट लेकर के. ठीक है सर, उसी तरीके से अब मेरे पास सर क्या पड़ा हुआ है, सीजीएसटी की पेमेंट करता हूँ. सीजीएसटी की पेमेंट सर कैसे करता हूँ, सीजीएसटी अब मेरे पे यहाँ 1500 रुपीज़ पड़े हैं सर. अब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वली, हाफ़ पेमेंट इसकी और हाफ पेमेंट इसकी करने में, क्यों मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं है. चलिए सर वो मेरी मर्ज़ी है, मैं कैसे भी यूटिलाइज़ करूँ, आप गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छोड़ दिया है. चलिए अब इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जब मैं सीजीएसटी की सर पेमेंट करता हूँ, कितनी बैठती है सर, 1000 रुपीज़ बैठती है सर. कितनी बैठती है, 1000 रुपीज़ सर. इसको मैं कैसे पे करूँगा सर, मैंने इसको पे करने में 750 की सर मैंने ले ली क्या क्रेडिट, ले ली इनपुट आईजीएसटी की, और जो मेरे पे खुद की क्रेडिट पड़ी हुई है सीजीएसटी की वो 150 की, वो भी मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर ली. मैं टैक्स पीछे देकर आया हूँ और जो बाकी की पेमेंट बच गई ये मुझे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, या बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू. चलिए सर अब एसजीएसटी की पेमेंट सर कैसे करूँगा, सेम वही कंडीशन, एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी बैठती है मेरे पे, 1000 रुपीज़ की बैठती है, जिसकी मैंने पेमेंट कैसे करी है, 750 की मैंने क्रेडिट लेके पेमेंट कर दी इसकी, किसकी, आईजीएसटी की इनपुट की, और इनपुट जो एसजीएसटी का खुद का पड़ा हुआ है सर कितना है, 150 रुपीज़ का है. उसकी मैंने यहाँ पर क्या ले ली सर, क्रेडिट ले ली, और बैलेंस जो बच गया वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है. कितना बच गया, 100 रुपीज़ का, चाहे वो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, कैसे भी मैं इसको पे कर सकता हूँ. तो इस क्लास में मैंने बेसिकली यही देखा कि कैसे हम सेट ऑफ करते हैं, किसका, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, एक दूसरे की टैक्स लायबिलिटी के साथ. जो हमारी आईटीसी पड़ी हुई है, जो हम पीछे इनपुट टैक्स देकर आते हैं सीजीएसटी के, एसजीएसटी के या आईजीएसटी के रिगार्ड में, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में. ठीक है सर, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम टैली में कैसे सेट ऑफ करें, टैली में कहां पर कैसे एंट्री मारें. ठीक है सर, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है एंट्रीज सेट ऑफ करने से पहले और सेट ऑफ करने के बाद, बैलेंस शीट में क्या इसका इम्पैक्ट होता है और GSTR रिपोर्ट्स में इसका क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है सर, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बिजनेस अकाउंटिंग विद टैली, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.